गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलस्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मेरे अम्माई का, जो कि कल जाने वाली हूँ, लेकिन आज एक्चुअली मैं मेरा ससुराल जा रही हूँ क्योंकि कुछ पूजा वूजा करना है कल, फिर उसके बाद ही मैं जाऊँगी मेरा मायका। एक्चुअली वो शादी के बाद जो जाते हैं ना मायके, 2-3 महीना रह के आते हैं, तो वही रस्म होने वाला है। वो पता नहीं उसमें क्या क्या होता है और उसको क्या बोलते हैं, वो रस्म का नाम मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी, लेकिन जो भी है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड वो जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। एंड चलो विदाउट वेटिंग फॉर द डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग अभी स्टेशन में हैं और ट्रेन के लिए वेट किए हुए हैं और उसी टाइम थोड़ा वीडियो वगैरह भी बना लेते हैं रील्स के लिए। तो चलो हमारी ट्रेन आ गई उसी वक्त, फिर हम लोग चलो ट्रेन में चढ़ते हैं। एक्चुअली ये ट्रेन में ऑलरेडी मेरा 2 भाई आ रहे हैं घर से मेरे को लेने के लिए, तो उन्हीं के ही बगी में मेरा टिकट हुआ है, तो चलो उनसे मिलते हैं। Hey, we are here. देखो ये मेरा छोटा भाई है, आप लोगों को तो पता ही है। तो गाइज उसके बाद हम लोग बातें करने लगे, मैं वीडियो नहीं बनाई उसके बाद। तो अभी उसके बाद मैं घर पहुंच गई थी और सबसे मिलने के टाइम मैं पूरा वीडियो बनाना भूल गई। तो एक्चुअली ये रहा मेरा दूसरा वाला डे, क्योंकि उस दिन मतलब पता है ना आपको, घर वालों से मिलते हो तो थोड़ा सा बातें करने में टाइम चला जाता है, तो उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी। ये दूसरा वाला दिन है एक्चुअली, तो उस मेरा जाने का वक्त हो गया था, मेरा रात को 7:30 को ट्रेन था, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग देवरानी जेठानी जी, और थोड़ा फ़ोटो खींच रहे थे। तो अभी ये पूजा का रस्म जो है वो स्टार्ट हो गया, तो उसी के लिए चलो करते हैं पूजा। आप लोग देख लो हमारे घर में कैसे कैसे होता है। तो गाइस पूजा ख़त्म होने के बाद थोड़ा सबसे मिलके सबसे आशीर्वाद लेके मैं निकल गई थी घर के लिए, लेकिन उस टाइम हमारे जो बच्चे हैं, मतलब मेरा जेठानी लोगों का जो बच्चे हैं, वो लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग मेरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो इसलिए वो लोग आने की ज़िद कर रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई मेरे को बुला रहा था, ऐसे ही हो रहा था। तो फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकल के आ गए हैं और ये हम लोग जा रहे हैं अब स्टेशन के लिए। तो गाइज अभी रात हो गई है और हम लोग चले सोने के लिए, चलो मिलते हैं कल सुबह। अब तक तो कुछ हैपनिंग नहीं हुआ है, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। तो गाइज गुड मॉर्निंग, अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से और हम लोग अभी जा रहे हैं बस के तरफ, जहाँ से हम लोगों को बस मिलेगा कोणार्क के लिए। तो 6 बजने को है अभी और 10 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं कब तक बस आता है, फिर हम लोग जाते हैं। तो गाइज हैपनिंग तो कुछ नहीं हुआ, बस मिस हैपनिंग हो गया। वो क्या हुआ है मैं आपको घर पहुंच के बता दूंगी, ठीक है। हे गाइज, तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके, अभी
8 बज रहा है एक्चुअली. एक प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली, शटडाउन है यहाँ पर पूरी में, तो इसलिए हम लोगों को बॉस नहीं मिला था. तो इसलिए हम लोग, हमारे गांव है पीली में, वहाँ पे एक भैया को कॉल की थी. हमारा जो भैया है मतलब चाचा के बेटे, वो आके हमको छोड़ के गए हैं कोणार्क में. सो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए इसलिए, नहीं तो बस में आते तो और भी लेट होता. तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय.